अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम करेंगे रिडल्स पार्ट नंबर 17। और उसको स्टार्ट करने से पहले रिडल्स पार्ट नंबर 16 जो है ये हम कर लेते हैं। तो ये मेरा न्यू चैनल है और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरा जो पुराना चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले विनर्स जो है वो अनाउंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट रिडल जो है इसका सबसे पहले आंसर किया था उज्मा वर्ल्ड ने, और देन सेकंड रिडल का आंसर सबसे पहले किया था हाशिम मेहदी ने, और थर्ड रिडल जो है इसका आंसर किसी ने नहीं किया था। इशल आपका जो आंसर था ना उसमें आप कुछ एक और ही वो रिडल थी और उसका पता नहीं आंसर 3 आ रहा था, और उसके अलावा मुझे आपका लाइव चैट में कोई और थर्ड रिडल से रिलेटेड सही आंसर कोई भी नज़र नहीं आया था। फोर्थ रिडल जो है इसका आंसर सबसे पहले दिया था उज्मा वर्ल्ड ने ही आंसर किया था इसका सबसे पहले। इसका आंसर वैसे किया सबसे पहले आयशा ने था, लेकिन उन्होंने आंसर 7.8 था और उन्होंने आंसर लिखा हुआ था 7.5, इस वजह से उनका आंसर गलत था। और उसके बाद उज्मा ने किया हुआ था और उसके बाद इशल ने किया हुआ था, तो इसलिए जो है ना आपका आंसर मैंने इसी वजह से बीच में जो है ना आयशा आपका इस वजह से यहाँ पे नेम नहीं लिखा क्योंकि आपने आंसर गलत लिखा था, आपने 7.5 लिखा था जबकि आंसर 7.8 था। फिफ्थ रिडल का सबसे पहले आंसर किया था इशल ने, तो कंग्रेचुलेशन आपको उस्मा हाशिम एंड इशल के, आप लोगों ने सबसे पहले आंसर किया था। अब चलते हैं जी नेक्स्ट जो है रिडल्स उनकी तरफ चलते हैं हम। तो ये पार्ट नंबर 17 है अब रिडल्स का। तो इसकी फर्स्ट रिडल जो है वो हमारे पास है कि एन एप्पल इज 40 सेंट्स, अ बनाना इज 60 सेंट्स एंड अ ग्रेप फ्रूट इज 80 सेंट्स, हाउ मच इज अ पियर। आप ये बता दें कि अगर जो एप्पल है वो 40 सेंट्स का है, बनाना जो है वो 60 सेंट्स का, ग्रेप फ्रूट जो है वो 80 सेंट्स, और पियर जो है इसका आप बता दें कि क्या इसकी प्राइस क्या होगी। तो जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा कि अगर एप्पल जो है वो 40 सेंट्स का है, बनाना 60 सेंट्स का है, ग्रेप फ्रूट 80 सेंट्स का है, तो पियर की प्राइस क्या होगी। तो जल्दी से बताएं कि पियर की प्राइस क्या होगी कि अगर एप्पल जो है वो 40 का है, ठीक है 40 सेंट्स का है, बनाना जो है वो 60 सेंट्स का है, ग्रेप फ्रूट 80 सेंट्स का है, और पियर जो है उसकी प्राइस क्या होगी। तो जल्दी से बताएं कि पियर की प्राइस क्या होगी। बहुत ईजी रिडल है, अब मैं इसका आंसर बताने लगी हूँ, मेरे बताने सबसे पहले जिसने इसका रिप्लाई किया होगा वही इस रिडल का विनर होगा। तो इसका आंसर है जी, इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ कि इसका आंसर है जी 40 सेंट्स, और मैं आपको बताती हूँ कि 40 सेंट्स कैसे है। देखिए इधर इन लोगों ने किया क्या है कि जितने भी वॉवल्स हैं स्पेलिंग में, जैसे कि इसमें 2 वॉवल्स हैं ए और ई को किससे मल्टीप्लाई कर दिए 20 सेंट से, तो 2 20 40। बनाना में कितने वॉवल्स हैं, 1 2 3 ए है ना, 3 times A है, तो ए को मल्टीप्लाई यानी कि 3 को मल्टीप्लाई कर दिए 20 से, तो 60 हो गया। ग्रेप फ्रूट में क्या है हमारे पास, ए है, ई है हमारे पास, और यहाँ पे ये ए है, ई है, और हमारे पास ये आई है, ठीक है। इस तरह मतलब कि यहाँ पे बन रही है 4 बन रही है, तो इस वजह से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, तो ये 80 हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे पियर जो है इसके बीच में देखे कितने यहाँ पे वॉवल्स हैं, ई है और ए है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो है ना 20 से मल्टीप्लाई करें 2 को 20 से, तो 40 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 4 है, ए है, ई है, यू है और आई है, तो इस वजह से 4 है, तो उसको 20 से किया तो ये इस तरह हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट रिडल की तरफ। सेकंड रिडल है जी, एना रोट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 300 to 400 ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी टाइम्स डिड शी राइट द डिजिट 3। आप बताएं कि कितनी दफ़ा एना ने 3 डिजिट को लिखा होगा, 300 से 400 तक उसने सारी काउंटिंग लिखी है एक पेपर पर। तो आप ये बता दें कि सारी काउंटिंग में उसने कितनी दफ़ा जो है वो डिजिट 3 जो है उसको लिखा होगा। तो जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत इजी है ये रिडल, आप लोग काउंट भी कर सकते हैं कि कितनी दफ़ा उसने 3 को लिखा होगा। तो जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है कि एना ने कितनी दफ़ा 3 जो है 3 डिजिट को उसने लिखा होगा। तो जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है कि एना जो है उसने
ऑल नंबर जितने भी 300 से 400 तक है उसने एक पेपर पे लिखे हैं, और अब ये बताएं कि इसमें से डिजिट 3 कितनी दफ़ा आता है। ठीक है, अब मैं इसका आंसर लिखने लगी और मेरे लिखने सबसे पहले जिसने इसका रिप्लाई किया होगा वही इस रिडल का विनर होगा। तो इसका आंसर है जी 120 टाइम्स। ठीक है, उसने लिखा था डिजिट 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिडल की तरफ जो कि हमारे पास है इस वीडियो की थर्ड रिडल। तो देख लेते हैं कि फिर थर्ड रिडल हमारे पास क्या है। तो थर्ड रिडल है जी कि हाउ मैनी ब्रिक्स डज इट टेक टू कंप्लीट अ बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक। आप बता दें कि कितनी जो है वो ब्रिक्स चाहिए होंगी एक बिल्डिंग को बनाने के लिए जो कि ईंट से बनी हुई है। तो बताएं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। हाउ मैनी ब्रिक्स डज इट टेक टू कंप्लीट अ बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक। कितनी ईंटें लगेंगी एक बिल्डिंग को बनाने के लिए जो कि ईंट से बनी हुई है। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है, कितनी ईंटें लगेंगी एक बिल्डिंग को बनाने के लिए जो कि ईंट से बनी हुई है। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर आप इस रिडल को गौर से पढ़ें और इसके ऊपर थोड़ा सा अपने दिमाग को जोर डालें तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कितनी ब्रिक्स लगी होंगी बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए जो कि ब्रिक्स से यानी कि ईंट से बनी हुई है। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत इजी सी रिडल है। अच्छा, मैं इसका आंसर करने लगी और मेरे लिखने सबसे पहले जिसने इसका रिप्लाई किया होगा वही इस रिडल का विनर होगा। तो आंसर है जी इसका ओनली वन। वो इस वजह से वन ब्रिक इस वजह से क्योंकि लिखा हुआ क्या है यहाँ पे टू कम्प्लीट अ बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक जो यानी कि जो ईंट से बनी हुई है। जाहिर सी बात है एक ईंट रख के उन्हें बोल दिया होगा बिल्डिंग है। तो इस वजह से इसका आंसर था जी ओनली वन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रिडल की तरफ जो कि इस वीडियो की है जी फोर्थ रिडल। और फोर्थ रिडल है हाउ मेनी डेज आर देयर इन फोर ईयर्स में टोटल कितने डेज होते हैं। तो जल्दी से बताएं कि कितने डेज होते हैं फोर ईयर्स में। जल्दी से कैलकुलेट करें और मुझे बताएं कि फोर ईयर्स में जो है कितने डेज होते हैं। बहुत इजी सी रिडल है तो जल्दी से सोचें इसका आंसर क्या हो सकता है कि फोर ईयर्स में कितने जो है वो डेज होते हैं। जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत इजी सी रिडल है तो जल्दी से सोचें इसका आंसर क्या होगा कि फोर ईयर्स में कितने डेज होते हैं। तो जल्दी से सोचें इसका आंसर क्या होगा। हाउ मैनी डेज आर देयर इन फोर ईयर्स, फोर ईयर्स के बीच में कितने टोटल डेज होंगे। डेज आपको पता तो है कि एक साल में कितने डेज होते हैं। तो फिर देख लें उस हिसाब से कि फोर ईयर्स में फिर कितने डेज होंगे और फिर मुझे जल्दी से बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, मैं इसका आंसर लिखने लगी और मैं लिखी सबसे पहले जिसने इसका रिप्लाई किया होगा वही इस रिडल का विनर होगा। तो इसका आंसर है जी 1461। अच्छा, 1461 इस तरह है क्योंकि जो साल होता है उसमें कितने डेज होते हैं 365। तो 365 को मल्टीप्लाई कर दे, फोर ईयर्स है, फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें इसका आंसर आ रहा है 365 मल्टीप्लाई बाय फोर 1460। ठीक है, और जो लीप ईयर होता है जिसमें फरवरी जो है वो 29 का होता है तो उसमें प्लस वन वो वाला कर दें क्योंकि फोर ईयर्स है ना तो हर चार साल बाद वो आता है। तो इस वजह से 1461 इसका आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट रिडल की तरफ जो कि इस वीडियो की है जी लास्ट रिडल। और वो है जी फिफ्थ रिडल। डिवाइड 20 बाय हाफ एंड एड 30, व्हाट डू यू गेट। 20 को हाफ से जो है वो डिवाइड करें और जो है ऐड कर दें इसमें 30, तो आपके पास आंसर क्या आएगा। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है कि आपने 20 को हाफ से डिवाइड करना है और ऐड कर देना है 30, तो आपके पास क्या आंसर आएगा। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत इजी सी रिडल है, तो अभी एक मिनट में आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि डिवाइड 20 बाय हाफ एंड ऐड 30, व्हाट डू यू गेट। आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 20 को हाफ से और उसमें ऐड कर देना है 30 को, और जल्दी से बता दें कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत इजी सी रिडल है, अगर आप लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करें तो ये बहुत इजी सी रिडल है कि आपने करना क्या है, 20 को उसके हाफ से डिवाइड कर देना है, जो आंसर है उसमें 30 को ऐड कर देना है। तो आप बता दें कि अब इसका आंसर क्या हो सकता है। तो बहुत इजी सी ये रिडल है, तो जल्दी से सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। डिवाइड 20 बाय हाफ एंड ऐड 30, व्हाट डू यू गेट, आपके पास क्या आंसर आएगा इसका। तो जल्दी से सोचें इसका आंसर क्या हो सकता है।
बहुत इजी सी रिडल है। अच्छा तो मैं इसका आंसर लिखने लगी और मेरे लिखने सबसे पहले जिसका रिप्लाई किया होगा वही इस रिडल का विनर होगा। तो इसका आंसर है जी, क्या लिखा हुआ है, डिवाइड 20 बाय हाफ। तो 20 को इसके हाफ से यानी कि 1/2 से डिवाइड करें और ऐड कर दें बीच में 30। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 इंटू हाफ है। तो जाहिर सी बात है डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना, उसको रेसिप्रोकल लेते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 2/1 प्लस 30, तो 20 इंटू 240 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 70। तो इसका आंसर है जी 70। तो ये थी जी रिडल के, अगर हम डिवाइड करेंगे 20 बाय हाफ एंड ऐड 30 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, 70। तो ये थी जी आज की रिडल्स। तो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और मेरा जो दूसरा चैनल है मैथमेटिक्स वाला इफ्रत सैयद, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये थी जी आज की वीडियो, और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा और मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, न्यू वाला भी और ओल्ड वाला भी। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।